नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइटस हर्निया की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। हमने पहले भी हाइटस हर्निया पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ये क्या है, इसमें हमें क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, ये सब हमने दूसरे वीडियोज़ में बताया हुआ है जो आप हमारे लिंक्स में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपको अपनी लाइफ कैसे मॉडिफाई करनी चाहिए अगर आपको ऑलरेडी हाइटस हर्निया है, चाहे आपने इसका ऑपरेशन करवाया है या चाहे नहीं करवाया है। क्योंकि हर उस पेशेंट जिसे हाइटस हर्निया है उसे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, दवाइयों से और आप लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं ठीक हो रहे, तभी सर्जरी करवानी होती है। और अगर आपने सर्जरी करवा भी ली है तब भी आप लाइफ को सिंपल रखिए, जो हम चीज़ें एडवाइस कर रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिए, ताकि लाइफ लॉन्ग आप इसके सिम्टम से बचे रहें। सो सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि हमारे स्टमक की एक कैपेसिटी है जिससे ज़्यादा हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं ये हमारे मुँह से फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाकर रुकता है। स्टमक एक पाउच यानी एक बैग की तरह है जहाँ पर खाना इकट्ठा होता है, और जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं ये स्टमक भरता जाता है। स्टमक के भरने के बाद हमें फीलिंग आती है कि अब हमारा पेट भर गया है, और फिर हम खाना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो अपने स्टमक को नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा भरते जाते हैं। जैसे हमने बहुत कॉमनली देखा है कि यंग पेशेंट्स जो हार्ड वर्क कर रहे हैं या जिनके माइंड में ये है कि मैंने ज़्यादा एनर्जी लेनी है खाने से, वो चपातियों का नंबर बढ़ाते जाते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट की जो कैपेसिटी है स्टमक की वो लगभग 2 चपाती के बराबर होती है। आप एनीवेयर बिटवीन 1 से 3 चपाती तक रेंज इसकी रख सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोग इसे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो 2, 3, 4 और अप टू 7-8 चपाती भी एक टाइम में खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये डाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो स्टमक एक बलून की तरह होता है। जैसे बलून में हम हवा भरते जाते हैं वो फूलता जाता है और ज़्यादा हवा अपने अंदर एक्युमुलेट करता जाता है, ऐसे ही स्टमक भी कुछ हद तक डिस्टेंड हो सकता है। ये एक सॉफ्ट बैग है और जैसे जैसे इसको आप खाना ज़्यादा इसमें डालने लगेंगे इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा और ये ज़्यादा खाना एक्युमुलेट करना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा होने से स्टमक का प्रेशर बढ़ने लगता है, और जैसे एक प्रेशर कुकर का प्रेशर जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसकी सीटी ऊपर उठ जाती है और अपने अंदर जो भाप इकट्ठी हुई है वो सभी उसको वहाँ से जाने देता है। इसी तरह से जब स्टमक का प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उसका ऊपर का हिस्सा जो स्टमक और फूड पाइप के बीच में वेल्व है वो काम करना कम कर देता है, और ये खाना और एसिड वापस फूड पाइप में जाना शुरू करता है। तो सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखिए कि खाने को हमने अपनी लिमिट के हिसाब से ही खाना है और ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसिडिटी और GERD यानी गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स की बीमारी में। तो खाने को कम खाइए, चाहे दिन में आप 5 से 6 टाइम खाइए, लेकिन एक टाइम में अपने लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना है। जब हम खाना शुरू करते हैं तो उसकी सेटाइटी की फीलिंग यानी कि आपको वो फीलिंग कि मेरा पेट भर गया है, ये थोड़ी देर के बाद आती है, लगभग आधे घंटे के बाद आती है। तो होता क्या है कि आप स्वाद स्वाद में कुछ ज़्यादा खा लेते हैं और आधे घंटे के बाद आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया। तो जब आप प्लेट में खाना डाल रहे हैं उसी टाइम उसे उतना ही डालिए जितना आपको रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा खाना ना डालिए, और उतना खाने के बाद उसे बंद कर दीजिए और वेट कीजिए। अगर उस समय आपको नहीं भी फीलिंग आ रही कि पेट भर गए हैं तो थोड़ी देर के बाद ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। सो खाने की क्वांटिटी को रेगुलेट करना हमारा सबसे पहला स्टेप है। सेकेंड है आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। खाने में किसी भी तरह की स्पाइसेस जैसे कि हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये हमारे स्टमक में जाकर बहुत ज़्यादा एसिड को सेक्रेट करवाती हैं। आप स्वाद में मिर्च को खाते हैं आपके मुंह में थोड़ी मिर्ची की फीलिंग आती है, लेकिन उसके बाद आप पानी पी लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं तो वो जो आपके मुंह में इरिटेशन हो रही है वो ठीक हो जाती है।
लेकिन वो सारी की सारी मिर्च जाकर आपके स्टमक में गिरती है और वहाँ पर वो अपना एक्शन करती रहती है, एसिड को बढ़ाती रहती है, और जितना ज़्यादा एसिड होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो अगर आपको गैस्ट्राइटिस, GERD, गैस्ट्रिक अल्सर या हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है तो मानिए कि मिर्च आपके लिए अच्छी नहीं है और किसी भी तरह की ऐसी स्पाइसेस को बंद कर दीजिए या उनकी क्वांटिटी बहुत कम कर दीजिए। इसके अलावा तली हुई चीज़ों से एसिड बढ़ता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में परांठा खाना या बाहर की चीज़ें जैसे जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं जैसे समोसा, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा ऑयल होगा आपके खाने में उतना ज़्यादा एसिड बनेगा। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे ज़्यादा नींबू डालकर नींबू पानी बनाने से या ज़्यादा अचार खाने से भी एसिडिटी बढ़ती है, तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खट्टी हैं उन्हें अवॉइड करना है। इसके अलावा जब आप रात को सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए सोने के टाइम से 2 घंटे से पहले तक आप खाली पेट रहिए। यानी अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद हल्की वॉक कीजिए और फिर 10 बजे लेटिए, ताकि 2 घंटे में जो आपका स्टमक में खाना है वो कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाए और लेटते हुए वापस ऊपर को ना आए। इसके अलावा रात को सोने के टाइम से 2 घंटे पहले डिनर कीजिए, यानी अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे डिनर कर लीजिए और 2 घंटे अपने आप को दीजिए, जिसमें आप हल्की वॉक भी कीजिए ताकि जो स्टमक में खाना है वो कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाए और लेटने के बाद वापस ऊपर को ना आए। इसके अलावा देखा गया है कि स्ट्रेस से एसिड बढ़ता है। सो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन साफ रहेगा, आप खुश रहेंगे, तो एसिडिटी अपने आप ही कुछ हद तक कम होगी। क्रॉनिक स्ट्रेस को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। घर में कोई परेशानी है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि उस चीज़ से बाहर निकलिए, अगर आप गैस्ट्राइटिस से ठीक होना चाहते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेज, वॉक्स, जिम करना, वेट को कम रखना, इनका भी बहुत बड़ा रोल है एसिडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पेट में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एसिड ऊपर को आता है, तो वेट कम करने की कोशिश कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज से भी माइंड भी शांत रहता है, बॉडी भी हेल्दी रहती है, वेट भी कम होता है, इससे भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप योगा भी कर सकते हैं और जिम में काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिन एक्सरसाइजेज से पेट पे वेट बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें कुछ अवॉइड कीजिए अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपकी एसिडिटी बढ़ रही है। फिर मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने में जो ख़ास तौर से कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ाती हैं, तो आप इनका ध्यान रखिए, जैसे कि चॉकलेट्स हैं या कॉफ़ी है या स्ट्रॉन्ग टी है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इनमें से कोई भी चीज़ या कोई और चीज़ खाने में जो आपको एसिडिटी बढ़ा रही है, तो उसे ख़ास तौर से अवॉइड कीजिए। एक सिंपल फूड मॉडिफिकेशन से आप अपने सिम्टम्स में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। इसके बाद लोग पूछते हैं कि अगर हमने ऑपरेशन करवा लिया तो क्या हम फिर खुल के खा पी सकते हैं जैसे हैं नॉर्मल लोग खाते हैं? तो इसका आंसर यह है कि हाँ, आप खा सकते हैं, लेकिन जिसे एक बार एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है या आपको हाइटस हर्निया हो गया है, तो फिर भी ऑपरेशन के बाद भी आप ध्यान रखिए, नॉर्मल लोगों में भी एसिडिटी होती है। जिनको हाइटस हर्निया नहीं है उनको भी गैस्ट्राइटिस या इसोफेजाइटिस या रिफ्लक्स होता है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल पे या खाने पे ध्यान नहीं देते। तो आपने देखा होगा कि अक्सर बाहर के खाने के बाद कुछ लोगों को एंटासिड लेने पड़ते हैं, कुछ लोगों को पेट में पेन होता है ड्यू टू गैस्ट्राइटिस। सो कुछ हद तक आपको ऑपरेशन के बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल केयरलेसली अपनी लाइफ जिएंगे तो कुछ सिम्टम्स वापस आ सकते हैं, पर यूजुअली ऑपरेशन के बाद दवाइयों से ये ठीक हो जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि लाइफ को कैसे जीना है GERD के साथ, हाइटस हर्निया के साथ, और कैसे अपने सिम्टम्स कंट्रोल में रखने हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।